बस का सबर कर दिया तो इससे बड़ा चीज क्या है। 200 यूनिट फ्री किया, 200 यूनिट फ्री किया गया। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बोलती है और इसका नारदा सारदा का चोर के जो है वो भी कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में पार्टी नहीं खड़ा करने होगा। গতকাল অর্থাৎ 21 মে রবিবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 32তম মৃত্যুবার্ষিকীতে দিল্লিতে স্মৃতিসৌধে সম্মান জানানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা যেমন পালন করা হয়েছে, ঠিক তেমনই তার পাশাপাশি কলকাতা কর্পোরেশনের 39 নম্বর ওয়ার্ডের কোলাবাগান স্কুলের কাছে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটি পালন করা হয়েছিল। এখানে 39 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস সংখ্যালঘু দপ্তরের দ্বারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 39 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস কর্মীরা রাজীব গান্ধীকে স্মরণ করে তার ছবিতে মাল্যদান এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শামশাদ, জেনারেল সেক্রেটারি ইন্তেখাব আক্তার, 39 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সর্বভারতীয় অসংগঠিত কংগ্রেস কর্মী MD আলমগীর। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। দেখিয়ে সবচেয়ে পহলা বাত তো हम केलावान के जनता को मुबारकबाद देते हैं कि उन लोगों ने मैंने चीयर से 10 दुगना पब्लिक थे और हमारा राजीव गांधी का बरसी का लेके जो उन्होंने प्रोग्राम सुना सबको मुबारकबाद देते हैं और हमारे कांग्रेस की तरफ से मुबारकबाद है क्योंकि हम लोग बरसी के भी प्रोग्राम किया और खुशी भी जाहिर किया। हम लोग कर्नाटक का हम लोग जो इलेक्शन जीते हैं, जो हमारे पश्चिम बंगाल के आवाम ने दुआ, बहुत सारे हमारे हिंदू मुसलमान भाई सिख ईसाई भाई वो दुआ कर रहे थे कि कांग्रेस का सरकार हुआ बने, तो उनको भी मुबारकबाद देते हैं क्योंकि हमारा सरकार बन गया। हमारे कर्नाटक की जीत से क्या आपको लगता है कि बंगाल में TMC कांग्रेस से जो लोग TMC में गए थे वो लोग फिर TMC में वापस? देखिए, हम लोग तो ये बोल के किसी को भगाया नहीं, अगर कोई आते हैं तो वेलकम है, मगर यही है कि आने के बाद में आप सोचिएगा कि वो अपनापन रहेगा, वैसा अपनापन नहीं रहेगा आपके संग में, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, कल फिर भी भाग सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं, हमारा जो राहुल गांधी चाह रहे हैं यंग बेच को सामने लाना, यंग बेच को पॉलिटिकल में आगे बढ़ाना, क्योंकि इन लोग पूरा काम करेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। आज जैसे राहुल गांधी जितने चले हैं, आप सोच लीजिए हिंदुस्तान का कोई नेता कल चल सकता है? एक इतिहास पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज कांग्रेस का माने राहुल गांधी ने दिया है, और इसके आगे क्या कहें हम लोग देखिए आज 39 नंबर वार्ड में प्रोग्राम किए हैं और करने का बाद हम लोग अपना खुशी भी जाहिर किया है और हमारे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री थे उनका बम से उड़ा दिया गया था आज के डेट में, उसके लिए हम लोग बरसी भी किए। इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग यही बोल सकते हैं क्योंकि राजीव गांधी अमर रहे। गांधी का जो सपना था वो मुल्क की एकता और अखंडता को हमेशा हर हाल में जो है सर्वोपरि रखे थे, और हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते के ऊपर में चलना चाहते हैं, और उन्होंने जो हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, आज हमारे कांग्रेस के लीडरान जो भी हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी तो लगभग थोड़ा सा अब ये हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है कि जो काम उन्होंने छोड़ा है हम उस चीज़ को आगे उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। आज हमारे राहुल हमारे भारत रत्न श्री राहुल राजीव गांधी जी के आज उनका डेथ एनिवर्सरी थी। आज हम लोगों ने 39 नंबर वार्ड बनाए हैं और आने वाला कल राहुल गांधी जी ने बोला है कि राजीव गांधी मेरा इसमें है, मेरे साथ है, हो सकता है आने वाला कल हम लोग 2024 हम लोग अच्छे होगी। आज इस बरसी पर यही बात कहेंगे, हम लोग यहाँ पर शोक भी मनाएं और मिठाई भी खुशी के लिए हम लोग बांटे कर्नाटक के लिए, खुशी और गर्म एक साथ। हाँ, बस का बाद में, और जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, आज उसका रिजल्ट पूरा हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है।